हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हुए हेलो बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हुए हेलो बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो बेंजीन आपके दो तरीके से चलता है। कितने टाइप से बच्चों? दो टाइप से। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। फर्स्ट आपका होगा एडिशन एलिमिनेशन पाथवे, एडिशन एलिमिनेशन पाथवे, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसी को हम क्या बोलेंगे? SNAR पाथवे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दूसरा आपका क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन एलिमिनेशन एडिशन पाथवे, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे, और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? जल्दी से बताइए, इसी को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइन पाथवे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपका कौन कौन से आपके मैकेनिज्म आपका फॉलो करेगा आपका हेलो बेंजीन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, एक आपका एडिशन एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करेगा, एक आपका एलिमिनेशन एडिशन पाथवे को फॉलो करेगा। तो आज हम समझेंगे यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन पाथवे और एलिमिनेशन एडिशन पाथवे, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT एंड NEET पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, इसमें हर साल एक क्वेश्चन आपका आता है और काफी छुपा हुआ होता है क्वेश्चन, तो आपको अगर एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपको काफी इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक एक करके यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन पाथवे और एलिमिनेशन एडिशन पाथवे। तो फर्स्ट, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर एडिशन एडिशन एलिमिनेशन पाथवे। अब देखो एडिशन एलिमिनेशन पाथवे बोलो या फिर इसको क्या बोलो बच्चों? SNAR पाथवे। अब हम समझेंगे कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम लोग डील तो एक एक करके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहां पर अब हम समझते हैं, देखो एडिशन का मतलब फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बच्चों? एडिशन होगा, और स्टेप टू में क्या होगा बच्चों? आपका एलिमिनेशन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप वन में हमको एडिशन करना है और स्टेप टू में हमको एलिमिनेशन करना है। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं कि किस में फॉलो करेगा और कब फॉलो करेगा, कंडीशन हम लोग खुद बनाएंगे। तो मैं अगर एग्जांपल लूं तो एग्जांपल नंबर वन, अगर मैंने बेंजीन के केस में अगर मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपका निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसका अटैक इस पर कराया तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपका होगा बच्चों इस तरीके से, यहां पर आपका क्या बन जाएगा? NU, यहां माइनस, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। नाउ अब यहां पर क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों? अब हाइड्रोजन होगा। अब यह हाइड्रोजन को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा, देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने एडिशन किया है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों? एडिशन किया है। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है? एलिमिनेशन। तो सेकंड स्टेप में मैं एलिमिनेशन करता हूं, तो H को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो H यहां पर कौन से फॉर्म में बाहर निकलेगा बच्चों? देखो यहां पर आपका नेगेटिव साइन है, अब यहां पर पॉजिटिव साइन बनाने के लिए H को आपको माइनस के फॉर्म में बाहर निकालना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में बच्चों बाहर निकालना पड़ेगा? माइनस के फॉर्म में। तो H में अगर यहां से माइनस के फॉर्म में बाहर निकालूंगा तो क्या होगा बच्चों? यहां पर NU आ गया और यहां पर आपका क्या आ गया बच्चों? H माइनस। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये सही है? देखने में तो लग रहा है कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो आपका H माइनस है, H माइनस आपका क्या होता है बच्चों? H माइनस आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। H माइनस आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ ये क्या होता है बच्चों? पुअर लिविंग ग्रुप। ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अगर बच्चों इसका अगर लिविंग ग्रुप कैरेक्टर कम होगा तो क्या ये आपका रिएक्शन को प्रोग्रेस कर पाएगा? मतलब पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब ये ग्रुप को छोड़ेगा ही नहीं। जब ये ग्रुप को छोड़ेगा नहीं तो यहाँ पर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होगा। तो दिस मेथड इज क्या, ये मेथड आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इनकरेक्ट। ये इस तरीके से हम नहीं करेंगे। तो एक और देखते हैं हम यहाँ पर तरीका। ठीक है, यहाँ पर एक और तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर मैं इसके पॉइंट पर जाऊंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कोई हेलोजन कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर NU कर दिया, ठीक है,
ठीक है। अब समझते हैं, अब एमयू अगर यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहां पर ये ऐसा होगा, ठीक है, यहां पर ये इस तरीके से होगा। अगर मैं अगर बात करूंगा तो यहां पर भी आपका क्या होगा, देखो यहां पर आपका इस तरीके से बनेगा। एनालिसिस करेंगे, बस मॉलिक्यूल को एनालिसिस करते जाओ, क्वेश्चन आपका सोल्व होता जाएगा। ऑर्गेनिक में अगर जिसको एनालिसिस करना ज्यादा अच्छे से आ गया तो वो ऑर्गेनिक अपने कमांड में इजीली कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी आपका कौन निकलेगा, यहां पर भी आपका एज अ लिविंग ग्रुप एच निकलेगा। अब एच अगर एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा तो क्या ये मेथड आपका सही होगा? फिर वही कंडीशन आ गया, एच माइनस। एच माइनस क्या होता है बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये पुअर लिविंग ग्रुप, तो क्या ये आपका होगा, ये आपका यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं करेगा। या फिर यहां पर एक और कंसेंट बोल सकते हो, यहां पर लोन पेयर होगा, यहां पर माइनस चार्ज होगा, एक दूसरे से रिपल्शन कर जाएगा। तो इससे पहले हमें उसको बोलना ज्यादा सही समझेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हमारा भी क्या हो गया, फिर से फेल हो गया। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, कि नेक्स्ट मेथड पे हम एक एक पोजीशन को दे देखते हैं। अब देखो इस पोजीशन पे भी अटैक कराएंगे तो एच निकलेगा, इस पोजीशन पे भी अटैक कराएंगे तो एच निकलेगा, इस पोजीशन पे भी अटैक कराएंगे तो एच निकलेगा, इस पोजीशन पे भी अटैक कराएंगे तो एच निकलेगा, और इस पोजीशन पे भी अटैक कराएंगे तो एच निकलेगा आपका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की ओर। अब देखो अब मैं पोजीशन चेंज करता हूं, अब मैं क्या करूंगा कि न्यूक्लियोफाइल को इप्सो पोजीशन पे अटैक कराऊंगा, किसके, हेलोजन ग्रुप के इप्सो पोजीशन पे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल को अगर मैंने हेलोजन के इप्सो पोजीशन, ये वाला पोजीशन मतलब कोई भी अगर ग्रुप जुड़ा हो उस पोजीशन को, कोई भी अगर ग्रुप अगर आपका जुड़ा हो, और अगर मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट पर ग्रुप जुड़ा हो, उस पॉइंट को या फिर उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इप्सो पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलेंगे बच्चों उसको, इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर OCH3 जुड़ता तो इसको इप्सो, इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पेरा, ठीक है। अगर यहाँ पर OH जुड़ा रहता तो इसको इप्सो, इसको ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पेरा, मतलब जहां पर ग्रुप जिस पोजीशन पे जुड़ा हो उस पोजीशन को हम हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों, इप्सो पोजीशन, ठीक है। अब देखो अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपका इप्सो पोजीशन पे कराया, कौन से पोजीशन पे बच्चों, इप्सो पोजीशन पे, देखो यहां अटैक कराया तो ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा। नाउ अब मैं बोलना चाहूंगा तो यहां पर आपका इस तरीके से बनेगा, ये आपका हेलोजन, यहां पर आपका एनयू आ गया, ठीक है, ये आपका ये इस तरीके से, यहां पर माइनस चार्ज। आई होप कि आपको अब यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन इस बार आपका जो लिविंग ग्रुप निकलेगा वो कौन निकलेगा बच्चों, इस बार जो आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा बच्चों, यहां पर लिविंग ग्रुप निकलेगा एक्स माइनस, कौन निकलेगा, एक्स माइनस। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ये इस तरीके से बन जाएगा एनयू, और यहां पर एक्स माइनस, एक्स माइनस का मतलब हेलोजन, ठीक है। अब देखो हेलोजन क्या होता है, हेलोजन आपका मतलब HCl, HF आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो मतलब ये क्या होंगे बच्चों, आपके वीक बेस होंगे। वीक बेस होने के साथ साथ क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप कैरेक्टर होगा। इसका कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, यहां पर ये एक्स माइनस अच्छे से इस कंपाउंड को लीव करके जा सकता है। इसका मतलब अब जो मैंने मैकेनिज्म लिखा है वो काफी करेक्ट है। देखो पहले स्टेप में एडिशन कराया, यहाँ पर एक एक करके फिर से समझते हैं, यहाँ पर पहले स्टेप में एडिशन कराया और दूसरे स्टेप में एच माइनस निकाला, एच माइनस निकाला मतलब एलिमिनेशन कराया। अब देखो एलिमिनेशन कराया, यहाँ पर एच माइनस निकाला मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब पुअर लिविंग ग्रुप कैरेक्टर है, तो ये रिएक्शन आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर जब मैंने इसके ऑर्थो पोजिशन पे या फिर ऑर्थो पे या पेरा पे कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया मतलब यहाँ पर मैंने एडिशन कराया। अब देखो एडिशन कराने पर फिर मैंने एलिमिनेट किसको किया, यहाँ पर एलिमिनेशन किसका किया बच्चों, मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन एच माइनस का किया, फिर से वही प्रॉब्लम आपके पास जनरेट हुई थी। लेकिन यहाँ पर पहले मैंने एडिशन कराया, लेकिन इस बार जो एलिमिनेट करने वाला कंपाउंड है वो आपका कौन है बच्चों, यहाँ पर एलिमिनेशन वाला कंपाउंड कौन सा है बच्चों, एक्स माइनस, और एक्स माइनस क्या होता है बच्चों, अच्छा लिविंग ग्रुप कैरेक्टर कैरी करता है। तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन, अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी ये रिएक्शन आपकी प्रोग्रेस होगी। तो हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों,
देखते हैं हम एक एक करके. वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने? फॉर एस एन ए आर मैकेनिज्म, फॉर एस एन ए आर मैकेनिज्म, एस एन ए आर मैकेनिज्म, लिविंग ग्रुप शुड बी, लिविंग ग्रुप शुड बी स्ट्रांग. लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए? शुड बी स्ट्रांग मतलब लिविंग ग्रुप आपका अच्छा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप आपका बहुत अच्छा होना होना चाहिए. जैसे कौन कौन से? ओ टी एस, ओ बी एस, टोसिलेट, ब्रोसिलेट, ओ एम एस, मेसिलेट, या फिर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हमने ये तो ऑब्जर्व किया, ठीक है. सेकंड पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन इन एडिशन स्टेप, इन एडिशन स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल. हमारे एडिशन स्टेप, वो एडिशन स्टेप में अटैकिंग स्पीसीज कौन सा है बच्चों? अटैकिंग स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. विच कंटेन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है. तो आपका न्यूक्लियोफाइल, आपका जो एडिशन स्टेप है उसमें अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है. अब न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या कंटेन करता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन करता है. सो अटैकिंग साइट शुड बी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसका मतलब क्या होना चाहिए? जो आपका अटैकिंग साइट होना चाहिए वो आपका लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होना चाहिए. तो अब हम यही सबसे पहले कंडीशन समझेंगे कि आपका जो अटैकिंग साइट हो वो आपका लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो. तो अटैकिंग साइट को लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है. लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह हम किस तरीके से इसको रीड करेंगे, तो हम अब समझते हैं. यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट हम इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोअर कंडीशन में हम किस तरीके से रीड करेंगे देखते हैं. फर्स्ट बाय बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रुप, बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रुप. अब देखो हेलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है. ठीक है, यहां पर समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ग्रुप शुड बी हाई. अब देखते हैं हम कैसे इसको समझेंगे. अब देखो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे यहां पर कि एडिशन स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर रहा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होगी बच्चों? कम होनी चाहिए, ठीक है. अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर एक एक करके समझ लेते हैं हम. यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब देखो यहां पर, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर बनाऊं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा बच्चों? ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन. अब देखो यहां पर अगर आपका फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, और तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एलिमेंट क्रिएट 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 मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इप्सो पोजीशन. कौन से पोजीशन बच्चों? इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन, आपके इप्सो पोजीशन पे
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा, यहाँ पर इससे कम, यहाँ पर इससे कम और यहाँ पर सबसे कम। अब अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी वहां अटैक करेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा सबसे ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा फ्लोरोबेंजीन पे, उसके बाद क्लोरोबेंजीन पे, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन पे। दिस इज व्हाट, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SnAr पाथवे। अब ध्यान देना, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम स्टेप बताया था वो स्टेप आपका आरडीएस स्टेप होता है। वो स्टेप आपका क्या होता है बच्चों, आरडीएस स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा यहाँ पर। ये तो हमने ऑब्जर्व किया, इसके अलावा हमने क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, यहाँ पर हम अटैकिंग साइट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोअर करने का, ये तो एक मेथड है। एक और मेथड हम समझ सकते हैं एनालिसिस करते हुए, कि अगर मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, ठीक है, इफ वी समझते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अगर मैं, इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर मैं आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, एज एग्जांपल हम समझते हैं यहां पर, एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पर मैंने, देखो यहां पर मैंने फ्लोरिन ले लिया, ठीक है, कोई भी ले सकता हूं। देखो यहां पर NO2, अब देखो NO2 इज अ वॉट, NO2 इज अ वॉट, NO2 आपका क्या है, यहां पर समझते हैं, अगर यहां पर NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कम करेगा, ठीक है, अगर आप इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज NO2 पे प्लस यहीं पर आएगा, ठीक है, तो एक बार आप बना के रखिएगा यहाँ पर। और अगर नहीं आता है तो आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाउट भेज भी सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक तो प्लस चार्ज आपका फ्लोरीन की वजह से क्रिएट हो रहा था ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक प्लस चार्ज आपका किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या बोल सकते हैं यहां पर, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन सपोर्ट SnAr पाथवे। तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से पाथवे को सपोर्ट करेगा, SnAr पाथवे को सपोर्ट करेगा। आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। तो अब हम फाइनली चलते हैं कि इसके रिएक्टिविटी पे ऊपर, तो यहां पर समझते हैं, इन एस एन ए आर पाथवे फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस स्टेप। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस स्टेप, मतलब क्या होगा बच्चों, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब आपका फर्स्ट स्टेप अगर आपका आरडीएस स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप आपका होता क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप आपका होता क्या है बच्चों, यहां पर अब मैं स्टेप फर्स्ट आपको लिखता हूं, स्टेप फर्स्ट ऑफ एसएनएआर पाथवे का स्टेप फर्स्ट में लिखता हूं। अब देखो यहां पर स्टेप फर्स्ट में लिख रहा हूं, देखो यहां पर हेलोजन, ये आपका इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट, आरडीएस स्टेप, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये आपका यहाँ खुलेगा, सिंपल वही कंसेप्ट है, वापस से रिपीट होगा बच्चों, कंसेप्ट अब आपके रिपीट होंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट स्टेप अगर आपका आरडीएस स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड SnAr पाथवे
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, समझना ध्यान से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ऑन इप्सो पोजिशन, ठीक है, इप्सो पोजिशन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट उसको देखना पड़ेगा, या फिर आपको किसको देखना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो भी आपके SNAR की रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और यहाँ पर इप्सो पोजिशन, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, स्टेप फर्स्ट में आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो हम केवल और स्टेप फर्स्ट आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो जब आपका स्टेप फर्स्ट, अगर आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्टेप फर्स्ट में आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो हम केवल और केवल इतना ही देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कब करेगा, ठीक है, केवल और केवल इतना ही देखेंगे, वही आपके रिएक्टिविटी को बता देगा। तो अब हम इस पे बेसिस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन। क्वेश्चन, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड SNAR पाथवे, हमको SNAR पाथवे के टुवार्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। देखो यहां पर मैंने लिया पहला क्वेश्चन, ये मैंने ब्रोमीन कर दिया, यहां पर मैंने NO2, यहां पर मैंने ब्रोमीन कर दिया, यहां पर मैंने ब्रोमीन कर दिया, यहां पर मैंने OCH3, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, ब्रोमीन कर दिया, और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर मैंने आपका क्या कर दिया, OCH3, यहां पर मैंने ले लिया बच्चों CH3। देखो अब हम समझते हैं कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, काफी इजी कंसेप्ट है। देखो यहां पर आपका जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, देखो यहां पर Br वाला सेगमेंट इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट जो होगा वो तीनों मॉलिक्यूल पे क्या होगा बच्चों, इक्वलेंट लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो इफेक्ट होगा बच्चों वो तीनों मॉलिक्यूल पे क्या लगेगा, इक्वलेंट लगने वाला है, ठीक है। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां पर जो मेजर जो यहां पर प्रॉब्लम है ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो प्लस एच के थ्रू, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो प्लस एम के थ्रू, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट, ये आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा माइनस एम के थ्रू, तो माइनस एम आपका ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है, माइनस एम आपका क्या होता है बच्चों, ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है, तो ज्यादा अच्छे से यहां पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर जो पहला जो होगा फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। यहां पर दोनों में ध्यान से समझेंगे, प्लस एच आपका वीक इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू एम, तो ये ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, कौन ज्यादा दे पाएगा बच्चों, प्लस एम, देखो प्लस एम आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कंसीडर करते एज कंपेयर टू प्लस एच, ठीक है, इसका मतलब प्लस एच आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू प्लस एम, तो यहां पर प्लस एच आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसकी वजह से यहां पर माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, यहां पर माइनस चार्ज ज्यादा आएगा, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से भी यहां पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन क्या होता है कि प्लस एच, देखो अब यहां पर एक और बार मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड एंड और मैं आपको थर्ड एंड सेकेंड में कैसे देखेंगे कि प्लस एम डोनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रांगली स्ट्रांगली एज कंपेयर टू प्लस एच, मतलब प्लस एच कम आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देगा, ये आपकी ज्यादा देगा, तो यहां पर ज्यादा माइनस आएगा, यहां पर तो आपको होना चाहिए प्लस, तो प्लस नहीं हो पाएगा ना, तो यहां पर ज्यादा माइनस है इसलिए ये आपकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आपका रिएक्टिव कौन होगा, थर्ड, थर्ड के बाद कौन होगा बच्चों आपका
सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा रिएक्टिविटी का। आपको बस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब मैं और भी क्वेश्चन इसके देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से इसके रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो इसी में इतना ही है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ये कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इजी कंसेप्ट से, ठीक है। ये मैंने अब यहां पर ले लिया आपका, देखो क्लोरीन, यहां मैंने लगा दिया है NO2, ठीक है। अब यहां पर मैंने ले लिया फिर से क्लोरीन, ठीक है। यहां पर मैंने लगा दिया NO2, और एक बार मैंने लगा दिया यहां पर NO2, ठीक है। यहां पर NO2, यहां लगा देता हूँ NO2, ज्यादा अच्छा लगेगा, एक साथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार मैंने यहां लिया क्लोरीन, यहां NO2 लगा दिया, ठीक है। एक बार मैंने यहां लिया क्लोरीन, और मैंने एक बार यहां लगा दिया NO2, ठीक है। यहां लगा दिया ये NO2, ये यहां पर NO2, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं सबको। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ठीक है। काफी इजी है, देखते हैं एक एक करके। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो ये NO2 आपका कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही, लेकिन ये कौन सा, माइनस आई के थ्रू, तो ये कम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। यहां पर आपका ये प्लस एन, यहां पर ये आपका सॉरी, यहां पर ये आपका माइनस एन, यहां पर ये आपका माइनस एन, यहां पर भी ये आपका माइनस एन, मतलब ये क्या करेगा बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करेगा। नाउ यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर इधर और इधर, और इसकी वजह से भी इधर इधर और इधर, और इसकी वजह से भी इधर इधर और इधर, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको। तो यहां पर ये आपका माइनस आई तो लगाएगा, साथ में क्या लगाएगा, माइनस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, लेकिन ये माइनस एम लगाएगा, तो यहां पर भी प्लस 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 क्रिएट करेगा। अब यहां पर ये क्या है, माइनस एम लगाने वाला भी है, मतलब प्लस 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 क्रिएट करने वाला भी है, और यहां पर ये क्या लगाएगा, माइनस आई। तो यहां पर देखो अब हम समझेंगे कि हमको क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज लाना है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम डिक्रीज कौन कर रहा है, सेकंड, तो सेकंड की रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद कौन कर रहा है, उसके बाद देखो ये माइनस एम के थ्रू कर रहा है, लेकिन ये आपका माइनस आई के थ्रू भी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन कर रहा है, ये वाला कंपाउंड, तो क्या आ जाएगा उसके बाद रिएक्टिविटी, इसकी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर जाएगा। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तभी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं इसमें इसमें और इसमें। अब देखो इसमें क्या है कि यहां पर माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई इज अ वीक इफेक्ट एज कंपेयर टू माइनस एम, तो ये वाला आपका थर्ड वाला फिर आ जाएगा, और इसके बाद आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिएक्शन को इसमें सोल्व करना है। तो अब हम इसके थोड़े से रिएक्शन वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन वाले प्रॉब्लम पे चलेंगे तो आपको और भी रिएक्शन को किस तरीके से इसको सोल्व करना है अब हम समझेंगे। देखो यहां पर हेलो बेंजीन में आपके एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन को दिया हुआ है, तो मैं एक्वस NaOH के साथ साथ तीन चार रिएक्शन को आपको समझाऊंगा, तो उसको भी समझना है। देखो यहां पर समझते हैं एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, देखते हैं एक एक करके। देखो अगर मेरे पास यहां पर क्लोरीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराना है, ठीक है, और यहां पर मेरा क्लोरीन है, ठीक है, यहां पर मेरा क्लोरीन है, ठीक है, यहां पर मेरा NO2 है। अब मुझे बोला है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, बताओ आपका न्यूक्लियोफाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि आपका न्यूक्लियोफाइल है कौन। तो यहां पर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल के बोला जाए, तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH-, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, यहां पर तो दो क्लोरीन है, तो इसकी वजह से यहां प्लस, यहां प्लस और यहां प्लस। अब देखो
कहां पर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, इस क्लोरीन पे, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट सिंपली क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका क्लोरीन और यहां पर आपका NO2, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन नंबर ए। अब देखो रिएक्शन नंबर बी की ओर चलते हैं हम, यहां पर बी रिएक्शन को देखते हैं हम, एक एक करके रिएक्शन सारे समझ लेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों ये। ठीक है, रिएक्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। अब बी में मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, NO2। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है CH3O-N। ठीक है, आई होप कि आपको पता पड़ गया होगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। अब जल्दी से बता दो बच्चों, इसमें अब आपका न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा CH3O-। अब ये अगर आपका न्यूक्लियोफाइल होगा तो अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर इसकी वजह से यहां प्लस और यहां प्लस, और इसकी वजह से यहां प्लस और यहां प्लस। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहां मैक्सिमम है, इस क्लोरीन के पास है बच्चों मैक्सिमम, तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहां अटैक करेगा, इस क्लोरीन पर अटैक करेगा और यहां से ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। एज अ लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहां पर अब आपका प्रोडक्ट बनेगा फ्लोरीन OCH3, यहां पर आपका NO2 और यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा NO2। आई होप कि आपको बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में बेंजाइन पाथवे को समझेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के इस सेगमेंट में हम अब समझते हैं एलिमिनेशन एडिशन पाथवे, मतलब बेंजाइन पाथवे के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम समझते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन एडिशन पाथवे, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजाइन पाथवे। ठीक है, ये भी आपका हेलो बेंजीन का एक एग्जांपल है बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है। अब देखो एडिशन, यहां पर एलिमिनेशन एडिशन पाथवे का मतलब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट में हमको एलिमिनेशन और स्टेप सेकंड में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडिशन करना पड़ेगा। तो हम अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में पहला, फिर हम इसको एनालिसिस करेंगे। देखो यहां पर मैंने लिया, यहां पर बच्चों यहां पर मैंने लिया ब्रोमीन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा, काफी इजी कंसेप्ट है। यहां पर मैं क्या लूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब यहां पर मैं ले लेता हूँ NaNH2। अब देखो यहां पर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से निकाल ले, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से निकाले। तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका काम क्या होगा, ट्रैपिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, फ्रॉम सब्सट्रेट सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन आपका कौन सा प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन ऑफ, हमेशा वहीं से निकालना है बच्चों आपको, बीटा पोजीशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के कौन सा बेटा, बीटा पोजीशन पे आपका प्रेजेंट होगा, उसी एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है। तो यहां पर तो हमारे पास सिंपल केस है। ठीक है, ये आपका अल्फा पोजीशन और ये आपका बीटा पोजीशन, तो यहां पर भी हाइड्रोजन होगा और यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। तो देखो यहां पर दोनों की एसिडिक कैरेक्टर सेम है, मैं इसका एसिडिक कैरेक्टर आपको निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से इस हाइड्रोजन को ये स्ट्रॉन्ग बेस निकाल लेगा, देन ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा बेंजाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन बच्चों, NH2, NH2 अटैक करेगा इस सेंटर पे, तो ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर जैसे ही मैं इसका NH3 लिक्विड में रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा इस तरीके से, आपका कंपाउंड बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या बोल सकते हैं, देखो
ये एक बीआर है, ये भी आपका क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पर बीआर हट के कौन आया, एनएच2 आया। तो मतलब ये है आपका क्या है बेटा, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, एसएनएआर और एक आपका एलिमिनेशन एडिशन पाथवे में। नेक्स्ट, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ बच्चों, एलिमिनेशन हुआ। और यहां पर सेकेंड स्टेप में आपका क्या हुआ बच्चों, एडिशन हुआ, एडिशन स्टेप हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप आपका एलिमिनेशन हुआ, सेकेंड स्टेप आपका क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ। अब यहाँ पर जो ये आपका इंटरमीडिएट बना है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका बेंजाइन। अब बेंजाइन के बारे में हमको समझ लेते हैं। बेंजाइन आपका क्या होता है बच्चों, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजाइन आपका कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर बेंजाइन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं, यहाँ पर ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिड। ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फोर कार्बन्स आपके sp2 हाइब्रिड है, लेकिन और दो कार्बन है वो आपको कैसे दिख रहे होंगे, sp हाइब्रिड। अगर मैंने ये ऐसा बोला तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अप टू सेवन मेंबर रिंग sp कार्बन एटम नॉट अलाउड। sp कार्बन एटम्स आर नॉट अलाउड। पहला हम ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मतलब सेवन मेंबर रिंग तक तो आपका sp2 चलेगा, लेकिन सेवन मेंबर के बाद जो एट कार्बन की रिंग आएगी वहां पर आपका sp हाइब्रिड एटम अलाउड कर सकता है। इसीलिए यहां पर क्या हुआ, इसीलिए यहां पर ये आपका sp2 हाइब्रिड है। या तो हम दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों, जहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये आपका, इसको इस तरफ बनाता हूं बच्चों, थोड़ा समझेंगे। ठीक है, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये मैंने बना दिया, ये यहां पर आपका जो आपका ये वाला होगा वो आपका जो ओवरलैप कर रहा होगा, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब बेंजाइन में आपका क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, ना कि आपके p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहां पर ओवरलैपिंग आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, ना कि आपके p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। तो ये सब बात थी, यहां पर हमको एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना था, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसीलिए ये आपका किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखो यहां पर हेलो रेंजिंग आपका मैक्सिमम केस में शो करेगा, क्योंकि इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है बच्चों। ठीक है, तो यहां से हमको क्या क्या एनालिसिस करना पड़ा देख लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप यहां पर वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट इन फर्स्ट स्टेप एसिडिक हाइड्रोजन विल ट्रैप्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन किसके थ्रू आपका यहाँ पर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से आपका क्या होगा, निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अब हम एसिडिक हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना सीखते हैं। देखो एसिडिक हाइड्रोजन को हम कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं इस रिएक्शन में हमको एसिडिक हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करना है। और जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो हमेशा कौन से पोजिशन पे लेना है बच्चों, बीटा पोजीशन टू हैलोजन। हैलोजन के आपका कौन से पोजीशन में लेना है बच्चों, बीटा पोजीशन पे। तो अब हम समझते हैं यहां पर कि एसिडिक हाइड्रोजन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर वन। ठीक है, यहां पर मैंने लिया ये क्या बच्चों, ये आपका OCH3 और यहां पर मैंने लगा दिया बीआर। ठीक है, अब हम ध्यान से समझेंगे
कि यहाँ पर बीटा पोजीशन पे सबसे पहले हाइड्रोजन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करूंगा तो ये दोनों हाइड्रोजन होंगे, इसको मैंने एच ए बोल दिया, इसको मैंने एच बी बोल दिया। अब हम देखेंगे कि ये आपका प्लस एम ग्रुप, ये भी आपका प्लस एम ग्रुप, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मेसोमेरिक आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब मेसोमेरिक की वजह से पूरे रिंग में इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? तो मेसोमेरिक के हिसाब से हम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि मेसोमेरिक यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहां पर भी उतना होगा, यहां पर भी उतना ही होगा, यहां पर भी उतना ही होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइजेशन सिमिलर होंगे, ठीक है? अगर फिर मुझे मेसोमेरिक इफेक्ट से हम देख नहीं सकते तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका माइनस आई, ये आपका क्या है बच्चों, माइनस आई। तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो हमको कौन सा करना पड़ेगा यूज, इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। अब हम समझते हैं यहां पर कि यहां पर अगर मैंने एच बी निकाला तो यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर मैंने एच ए निकाला तो यहां पर माइनस चार्ज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अब देखो, यहां पर भी ओ सी एच थ्री पास है, यहां पर भी बी आर पास है, तो दोनों में ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, लेकिन इस माइनस चार्ज के पास केवल बी आर है, ओ सी एच थ्री तो काफी डिस्टेंस पे है, तो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ दिखा नहीं पाएगा ज्यादा। तो यहां पर तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपका कहाँ लग रहा है बच्चों, इस पोजीशन पे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एच बी इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एच ए। अगर मैं बेस का रिएक्शन कराऊंगा तो एच बी आपका सबसे पहले यहां पर क्या होगा बच्चों, एच बी को सबसे पहले हमको रिमूव करना होगा, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, यहां पर हम एक और एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। देखो यहां पर मैं सिमिलरली लेता हूँ एक और एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने बी आर ले लिया। अब सबसे पहले आपको कौन सा हाइड्रोजन सेलेक्ट करना है, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन आपका हेलोजन के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, ये अल्फा है और यहाँ पर आपका बीटा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी आपका बीटा हाइड्रोजन होगा, इसको मैं बोल देता हूँ एच ए और एच बी। तो सिमिलर केस बनेगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चों, सेम होगा कि यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। मेसोमेरिक इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो यहां पर भी प्लस एम, ये भी आपका प्लस एम, ये भी आपका प्लस एम, तो प्लस एम को हमको देखना नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वी हैव टू कंसीडर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। हमको इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंसीडर करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर कौन से इफेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट को। ये आपका माइनस आई और ये भी आपका क्या हो जाता है, माइनस आई। अब देखेंगे कि अगर मैं इस पोजीशन से एच बी निकालूंगा, एच बी को निकालूंगा तो यहां पर माइनस चार्ज, एच यहां से निकालूंगा तो माइनस चार्ज। अब मैं देखता हूं कि दोनों पोजीशन पे जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो डिस्टेंस है, यहां से ओ सी एच थ्री का जो डिस्टेंस है उतना ही बी आर का है, यहां से जो ओ सी एच थ्री का डिस्टेंस है उतना ही बी आर का है। दोनों का डिस्टेंस क्या है बच्चों, सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से दोनों तरफ आपका एसिडिक हाइड्रोजन आपका इक्वलेंट है, दोनों हाइड्रोजन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो आपका क्या होगा, इक्वलेंट होगा। तो इसका मतलब बेस आपके दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के रेस्पेक्ट में एक और हम समझते हैं। अब इस बार आप लोग ना वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा सा उसको बताइएगा आंसर, ठीक है? एक एग्जांपल देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने ले लिया NO2, ठीक है? यहां पर मैंने मैंने लिया है BR। अब देखो, अब इसमें बताओ बच्चों आप लोग, अगर देखो यहां पर सबसे पहले मेरा काम क्या है, बीटा हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना। तो दिस हाइड्रोजन इज अ बीटा हाइड्रोजन एंड दिस वन हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ बीटा हाइड्रोजन, देन इट इज अ एच ए एंड एच बी। एज्यूम दैट इट इज अ एच ए एंड एच बी। नाउ मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो
इसकी वजह से जो माइनस एम जनरेट होगा और इसकी वजह से जो प्लस एम जनरेट होगा वो पूरे रिंग पे इक्वलेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमको मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, वी हैव टू कंसीडर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। हम यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अब जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करूंगा तो ध्यान से समझेंगे कि यहां से अगर मैं एच ए को निकालूंगा, यहां से अगर मैं एच बी को निकालता हूं और यहां से मैं एच ए को, अब देखो माइनस चार्ज के ज्यादा क्लोज कौन है, ये भी आपका माइनस आई, ये भी आपका माइनस आई, ज्यादा क्लोज कौन है, ये है, तो ये माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये भी माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, लेकिन इस पोजीशन पे केवल बी आर ज्यादा खींच रहा होगा, एनओ टू उतना नहीं खींच रहा होगा। तो यहां पर जो इस पोजीशन पे जो माइनस चार्ज है, इस पोजीशन पे जो माइनस चार्ज होगा वो कुछ ज्यादा स्टेबल होगा। अब ज्यादा स्टेबल होगा तो हम यहाँ से इजिली एच बी निकाल लेंगे, तो इसका मतलब एच बी आपका ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एच ए। तो नाउ अगर मैं बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन आपका निकलेगा, एच बी हाइड्रोजन। तो सबसे पहला इस रिएक्शन को, इस टाइप के रिएक्शन को जब भी सोल्व करना होगा तो उसका सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना। यही है, यही इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम चलते हैं इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल की और फिर हम है ना प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैं तीन चार एग्जाम्पल बताता हूँ, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। अब मुझे इसका प्रोडक्ट बताना है, देखो ये मैंने लिया बी आर, यहां पर मैंने ले लिया एनओ टू, ठीक है। अब मुझे इसकी रिएक्शन, मुझे के एन एच टू के साथ मुझे हीट करना है, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन दिया गया, अब मुझे इसको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर ब्रोमीन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हम कर नहीं सकते, पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे ही आपका खत्म हो गया। सेकंड आपका SNAR पाथवे, तो SNAR पाथवे के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल होगा अच्छा लेकिन बेसिक नहीं होगा। तो यहाँ पर KNH2 के केस में हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा पाथवे लगने वाला है बच्चों, बेंजाइन पाथवे। कौन सा पाथवे, बेंजाइन पाथवे। अब हम इसको एनालिसिस करके समझेंगे एग्जाम्पल अच्छे से। देखो क्या होगा कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना, ये एच ए और ये एच बी। अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर एच ए इज मोर एसिडिक एच बी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हम लोग केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ही बताएंगे। तो यहां पर जो आपका बेस होगा वो केवल और केवल एच ए को लेके निकल जाएगा। तो समझते हैं अब हम कि यहां पर जो आपका बेस होगा वो केवल और केवल आपका किसको लेके निकल जाएगा, एच ए को लेके निकल जाएगा। तो यहां से एच ए बाहर निकलेगा और ये पी आर आपका अंदर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, काफी सिंपल है के एन एच टू के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या हुआ होगा बच्चों, सबसे पहले आपका क्या बना होगा, बेंजाइन, ये मैंने बेंजाइन बना दिया। नाउ अब हम समझते हैं, यहां पर आपका एनओ टू भी है, ठीक है, यहां पर भी आपका एनओ टू है। अब हम समझते हैं एनओ टू आपका कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। अब माइनस एम इफेक्ट शो करने की वजह से ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अगर अगला जो आपका रिएक्शन होगा वो NH2 का अटैक कराएंगे, मतलब एडिशन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हम यही कराएंगे ना जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो यहां अटैक कराएंगे तो ये वाला बोर्ड आपका यहां खुलेगा। जैसे ही यहां खुलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये आपका NO2, यहां पर आपका NH2 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका इस तरीके से। अब माइनस के प्रेजेंस में हम यहाँ पर NH3 अगर मैं लिक्विड ले लूँ तो क्या होगा बच्चों, देखो NH3 लिक्विड इसको प्रोटोनेशन कर देगा, और प्रोटोनेशन करके यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका NH2, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि यहाँ पर BR इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे था, मेटा पोजीशन पे आपका कौन था,
सॉरी मैं लिख देता हूं एक बार, BR8 मेटा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू NO2। NO2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपका BR कौन से पोजीशन पे था? बेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर BR हटके कौन आया? दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो पोजीशन, मतलब ऑर्थो पोजीशन NH2 8 ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू NO2। मतलब यहां पर देखो, यहां पर BR आपका इसके मेटा पोजीशन पे था, यहां पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल निकला और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आया वो NH2 पोजीशन पे, मतलब दोनों का पोजीशन आपका क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। अगर दोनों का पोजीशन अगर आपका चेंज हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब पोजीशन भी चेंज हो सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका, एक और एग्जांपल हम यहां पर देख सकते हैं कि इसका मुझे प्रोडक्ट बताना होगा। देखो एग्जांपल नंबर 2, अगर मैंने ये आपका ले लिया यहां पर OCH3, यहां पर मैंने BR लिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहां पर इसकी रिएक्शन PHAli के साथ, अब मैंने ये आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बताया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, और साथ साथ आपका ये आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम समझेंगे कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, बीटा पोजीशन से क्या सेलेक्ट करना है बच्चों आपको? बीटा पोजीशन से आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। तो यहां पर ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन HA होगा, ये आपका HB होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर मैं अगर एसिडिक कैरेक्टर ढूंढूं तो बाय इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन फाइंड दैट कि HB इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HA, HB इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HA, ठीक है। बाय इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन फाइंड दैट, ओके, इट्स सो इजी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से ये वाला हाइड्रोजन आपका निकलेगा, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका अंदर खुलेगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? यहां पर इस तरीके से आपका बन जाएगा, और यहां पर OCH3, ठीक है। बेंजीन है तो आपका बॉन्ड कहीं पे भी घुमा सकते हो, आप यहां घुमा लो लो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ अगली बार क्या होगा बच्चों? PH- इन प्रेजेंस ऑफ H2, H2 क्या होगा? एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जो कि आपके H+ को डोनेट करने का काम करेगा, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो अब यहां पर OCH3 कौन सा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। अब OCH3 अगर प्लस एम ग्रुप है तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल भी आपका माइनस चार्ज है, अब न्यूक्लियोफाइल अगर आपका माइनस चार्ज है तो ये यहां तो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये इन सबसे क्या कर जाएगा? रिपल कर जाएगा। देखो प्लस एम होने की वजह से यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और यहां से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, यहां आपका माइनस, यहां आपका पीएच आ गया, ठीक है। अब यहां पर OCH3, ठीक है। अब यहां से H2O है तो H2O यहां पर आपका लग जाएगा, तो यहां पर H बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और साथ में आपका क्या बाहर निकलेगा? LiOH, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसके होमवर्क के लिए आपको एक है ना क्वेश्चन में आपको देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा बच्चों। आई होप कि आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, काफी इजी क्वेश्चन होगा। तो इसकी रिएक्शन आपको KNH2 के साथ करानी है, प्रोडक्ट बताना है, और प्रोडक्ट का आपको IUPAC नेम बताना है, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको प्रोडक्ट का करना है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो बच्चों यहां पर आपका हेलो एरिन का सेगमेंट जो होता है, जो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेसिस जो सेगमेंट होता है, वो आपका खत्म होता है। आई होप कि आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SNAR पाथवे और बेंजाइन पाथवे आपको अच्छे से समझना है बच्चों। ये करने के बाद आपके काफी हद तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमांड में आ जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको यहां तक समझ में अच्छे से आया होगा। सो थैंक यू सो मच।